नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजेडी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं गंगा विधानसभा के गांव बाड़ी माजरा में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन का किस तरीके से यहां पर स्वागत हो रहा है, ये आप हुजूम देख सकते हैं। जनता यहाँ पर काफी समय से चौधरी इंदर सेन के स्वागत के लिए खड़ी हुई थी और ये गंगा विधानसभा का गांव बाड़ी माजरा है और ये उत्साह आप देख सकते हैं। सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन का ये जुलूस है, क्या रहेगा अब की बार यहाँ गंगों में? चौधरी इंदर सेन आऊंगा अब की बार, चौधरी इंदर सेन आऊंगा अब की बार। कारण क्या है बताओ? कारण क्या है बस देख लो तो, आप क्या जल्लूस निकल रहा? नुमान मसूद जी कह रहे हम जीत गए चुनाव यहाँ। नहीं, हम जीतने का चुनाव यहाँ। यहाँ से गंगा विधानसभा की जनता हिंदू और मुस्लिम चौधरी इंदर सेन जी के साथ है और भाजपा ने प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम करा, वो कहता है गुंडा राज खत्म करा। उन्नाव की घटना देख लो, हाथरस के अंदर एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है और हिंदू रीति रिवाज में नहीं लिखा रात के समय में अंतिम संस्कार किया जाए, वहाँ पर अंतिम संस्कार रात के समय में किया गया। और ये बैंड आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जनता में उत्साह है और लगातार बैंड बाजों के साथ सपा प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन का स्वागत गंगा विधानसभा के गांव बाड़ी माजरा में हो रहा है। और आप देख सकते हैं चौधरी इंदर सेन यहाँ पर ट्रैक्टर चला रहे हैं और ट्रैक्टर पर सवार हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं चौधरी इंदर सेन का किस तरीके से स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हैं चौधरी इंदर सेन का यहाँ पर किस तरीके से स्वागत हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर संजय कहूंगा कि लगातार यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं और पीछे की भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा काफिला है, जनता में बड़ा जोश है प्रत्याशी को लेकर और कम से कम एक घंटे से जनता यहाँ पर प्रत्याशी का इंतजार कर रही थी और पूरा का पूरा ये काफिला आप देखिए जनता में किस प्रकार का उत्साह है। क्या होगा यहाँ पर प्रतिनिधि तेज दबेगा, सीधी लखनऊ रुकेगी, जाके लखनऊ रुकेगी, साइकिल लखनऊ ना, हत्ती का कोई जाता है ना भूल का, यहाँ तो सीधी साइकिल चलेगी, चलेगी सारा गांव साइकिल का है, सारा गांव। अरे भाई तेरा था मोटरसाइकिल, एक लाख पार हो गए इंदर सेन जी, 1,25,000 के करीब वोट लेके जाके हिंदू और मुसलमान ना, ये कुछ नहीं है, ये यही 50,000 मुसलमान का वोट चौधरी इंदर सेन जी को मिले जा रहा क्योंकि चौधरी यशपाल जी का अपना व्यक्तिगत वोट है इस क्षेत्र में। अब की बार है भारी आदमी कहाँ जाए बताओ? किरोली में जाए प्रधान प्रतिनिधि, क्या होगा प्रधान जी आपके गाँव में से क्या रिजल्ट निकलेगा ये बताओ? मेरे गाँव में तो इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे चौधरी इंदर सेन। हनुमान मसूद जी कह रहे हम जीत रहे चुनाव, कोई बात नहीं, जो उनकी किस्मत का उन्हें भी मिलेगा, लेकिन चौधरी साहब जीत कर जाएंगे माता चौधरी इंदर सेन। अरे विधानसभा में कौन जीतेगा ये बताओ? विधानसभा में लखनऊ जाने लिए इंदर, आपने देखा नीचे उससे लाभ क्या हो रहा? जन से लाभ तो देख लो आप क्या हाल हो रहा, ये आप देख सकते हैं, ये उत्साह है यहाँ पर, देखे किस तरीके से यहाँ पर जनता अपने जनप्रतिनिधि का अपने प्रत्याशी का स्वागत करने का काम कर रही है और यहाँ पर जेसीबी में बैठ कर देखे किस तरीके से फूलों की वर्षा हो रही है, ये उत्साह यहाँ पर जनता के बीच में है। और पीछे की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत लंबा काफिला है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितना लंबा काफिला है, तस्वीरों में आप देखिए सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन का गंगा विधानसभा के गांव बाड़ी माजरा में किस तरीके से यहां पर स्वागत हुआ ये आप देख सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह जी। हरदीप सिंह जी आप कहां से आए हो? गांव महंगी से जी। महंगी से जी, तो सिख समाज वोट कर रहा है या नहीं गठबंधन को? जी 100% वो। कारण क्या है ये बताओ? कारण खेती है जी, जिम्मेदार जो आंदोलन कारण आंदोलन है जी, 13 महीने जो आंदोलन किया और उसके बावजूद भी ये सरकार टस से मस ने झूठे वादे किए और आंदोलन के उठने से पहले भी इन्होंने वादे जो किए हमसे एक भी वादा पूरा नहीं किया, अभी तक कोई भी एमएसपी की गारंटी नहीं है, किसी भी चीज पे कोई भी गारंटी नहीं है, गन्ने का पेमेंट बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आ रहा और उसके बावजूद 750 किसानों की शहादत के बावजूद ये सरकार तानाशाही हो रही है, तो इसलिए प्रत्याशी नौमान मसूद जी कह रहे हैं कि सिख समाज तो हमें भी वोट कर रहा? नहीं जी नहीं, हम तो गठबंधन के साथ है जी, वोट डालो फिर पता लगता है हमारे साथ क्या कुछ हुआ।
तो हम तो इंदर सेन जी के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं और आज तक रहे आप भी रहेंगे। और कह रहे हैं कि भाजपा को भी वोट कर रहे हैं सिख समाज? नहीं, हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ अखिलेश यादव को वोट कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन की वजह से आपकी नाराजगी बढ़ी? किसान आंदोलन की वजह से भी, और अब जो हो रहा है खाद नहीं मिल रहा, पेस्टिसाइड के रेट बढ़ गए हैं, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, तो फिर हम नाराजगी तो जायज है हमारी। भाजपा तो कहती है कि किसानों का भला तो हमने किया, 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान किसी ने भी नहीं दिया, हम दे रहे हैं। 14 दिन भी ज्यादा कह रहे हो, तो ट्राली वहाँ घेर के आवा घंटे के में आ जाओ पेमेंट। तो 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली किसानों को देती है सरकार। बिजली का रेट देख लो, बिजली का रेट एक 10 पावर की मोटर का 25,000 रुपए सालाना है जी, छोटा किसान कैसे दे देगा? चलिए, तो आप देख सकते हैं ये लंबा काफिला है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर उत्साह आपको देखने को मिल रहा है। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ से आए हो? अंगावली से जी। अंगावली से? आपके गांव में क्या होगा? हमारे गांव में साइकिल ही साइकिल है जी। अरे साइकिल की तो बात छोड़ दो, आपकी पहले ही हवा सी निकल रही, बोल तो रहे नहीं आप। हमारा बापा निकल ली, नोमान मसूद की हवा निकल ली। नोमान मसूद जी तो करे 1 लाख पार, तू जो कह रहा ना, मैं इनकी बार 1 लाख पार, इनकी बार इंदर सर 1.5 लाख पार है, 1.5 लाख पार। अब की बार सही कल है, जमाने जब्त हो गई गंगो में से हर रहा नोमान मसूद, 33,000 वोट ले रहा नोमान मसूद, 35,000। इनके बार इंदर सेन 1.5 लाख पार है। मुस्लिम समाज का बहुत वोट मिल रहा उन्हें। किसे मिला? कौन है पहाड़ी बाजरे में तबाही, देखो तबाही, मुसलमान तो इसे इनका खत्म कर देगा गंगो में ही, मुसलमान गंगो से बाहर निकलने दे रहा, हिंदू मेरे एरिया में खत्म कर देगा। वो तो साइकिल की आंधी है, ये रुकती नहीं किसी पे, किसी पे। भाजपा का तूफान है, तूफान दिख जाएगा, तूफान तो 10 मार्च में दिख जाएगा। बुलडोजर छीन ले, इंदर सेन ने, वो जा रहा है इंदर सेन बैठा बुलडोजर पे, उसके नीचे हो गई भाजपा, तो भाजपा को तो वहां दफन कर दी गंगा में, इनके तो जमुना में से उड़ उठ गए इंदर सेन। भी दोनों है, हाँ दोनों है। आप कहाँ, कौन सा गाँव है आप? कोठड़ा। अच्छा, तो मुस्लिम समाज सब गठबंधन को वोट कर रहा? नोमान का कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे आप वोटों के भरोसे टिकट ले गए? कुछ भी नहीं अंदर सान का। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये काफिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और जनता में जबरदस्त उत्साह है। सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन का गंगो विधानसभा के गांव बाढ़ी माजरा में, तस्वीरों में हमने आपको शुरुआत से लेकर और आखिरी तक हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके का उत्साह यहाँ पर जनता के बीच में है। और ये देखे काफिला अभी तक भी समाप्त नहीं हो रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हैं, रुकिए जरा रुकिए, कहाँ मजे में पड़े हुए हैं, थक गए क्या? थक गए जी, सुबह से थक गए, सुबह से प्रोग्राम में जी थक गए। गाँव है आपका? टिडोली। टिडोली क्या होगा टिडोली में? एक तरफ इसी हो गया जी, वहाँ तो 85% का नहीं, साइकिल का जी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अजय नहीं, एक तरफ इसी हो गया बस। आप भी तो देख रहे हैं भाई जी, आप देख लो, एक तरफ हो गया मुसलमानों में 70-75% हो गया, आप देख लो, आप घूम रहे हैं आप तो। नोमान मसूद जी ये करे, मुस्लिम समाज तो मेरे साथ है जी। भाई जी कहाँ मुस्लिम समाज उसके साथ जी, मुस्लिम समाज तो आपने देख लिया सारा, कहाँ जा रहा? 14 तारीख तक एक तरफ चुनाव हो जाएगा चौधरी साहब का, मुस्लिम साहब गठबंधन को वोट कर रहा को एक तरफा, उससे अच्छा तो बीजेपी से वोट दे लेंगे अगर हाथी से देना पड़ गया। ये क्या बात है, इसके बारे में समझाओ। उसका कहाँ सरकार है रही, सरकार या समाजवादी की हरी, उससे क्या करेंगे? देख वो तो ये पीटी में है, पैसे ले लिए उनसे, बीजेपी वालों तो 5 करोड़ रुपए ले लिए, बताओ बीजेपी वालों से 5 करोड़ रुपए ले लिए, 5 करोड़ रुपए लेकर लड़ रहे जी। अरे बीबी मायावती ने कहा कितने में, 300 करोड़ में, कितने विधायक दूंगी मैं आपसे, 50 विधायक दूंगी 300 करोड़ में, तो इससे अच्छा तो बीजेपी से दे लो फिर, सब एक तरफा गठबंधन। आपको मुस्लिम समाज केवल इस वजह से गठबंधन के साथ जा रहा है यहाँ गंगो विधानसभा में, कि उन्हें लगता है कि यदि नोमान मसूद को वोट दिया तो वो भाजपा को फायदा होगा। जी 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 बिल्कुल 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 जी, समाजवादी के साथ और भाई जी के साथ, रुद्र सेन जी के साथ सब। चलिए, तो यहाँ पर जनता का उत्साह आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्या नाम है भैया? बाबू हसन। गाँव कौन सा आपका? गंगो गुजरान। गंगो खास कस्बा गंगो से?
गंगो में क्या है, गंगो में सो नोमान मसूद जी का बड़ा दावा है कि हम अब की बार 1 लाख पार जा रहे हैं। पक्को क्या बोले हो यू? पता नहीं अभी क्या है, तो जब बच्चे का हो जाएगा पक्को लेगी तो लेगी बस। अच्छा जो साइकिल आई, चलिए अच्छा अच्छा चलिए। तो यहाँ पर ये काफिला अभी तक भी समाप्त नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम है जी, कहाँ से आए आप? बड़े मुस्कुरा रहे, बड़ी चमक है आपके चेहरे पर। तो अच्छा 1,30,000 ले रहे आपके चौधरी साहब, इब का निपाड़ा छोड़ के कतई लखनऊ आवोगे छोड़ के, लखनऊ आओगे छोड़ के? इब का 1,25,000 पार है, ये जो 1,00,000 पार की बात कर रहे, 40,000 में सिमट ना उन्हें। हाँ काफले देख रहे हो, 250 गाड़ी का काफले में है। हाँ इब का 1,25,000 पार है जी, जी 80-20 का चुनाव है। हाँ आपके गाँव में क्या होगा ये बताओ? मेरे गाँव में तो एक तरफा 10-20 वोट चले जाएंगे खिलाफ, एक तरफा सब टिडोली में 1,200 वोट, घाटो पर में 2,500 वोट, एक डब्बा वाडा चौधरी साहब के वाडा भर के बस। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्त उत्साह है यहाँ पर जनता के बीच में, और ये काफिला आप देख सकते हैं, ये काफिला है सपा RLD गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इंद्र सेन का, और शुरुआत से और आखिर तक हम आपको लेकर जा रहे हैं। चौधरी साहब कहाँ से आए हो आप? हम यही से हैं। कौन से गांव से? गंगो से। गंगो से? हाँ। अच्छा क्या लग रहा है आपको यहाँ से इस विधानसभा में? एक तरफा इंद्र सेन, दूसरा है नहीं कोई, ढूंढे इंद्र सेन। मेरा गांव पठानपुरा साहिदपुर प्रधान, एक तरफा इंद्र सेन, इंद्र सेन और कुछ नहीं। नोमान मसूद कुछ नहीं, सब खत्म सब खत्म। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्त उत्साह लोगों के अंदर है, और ये काफिला आप देख सकते हैं, काफिला अभी तक भी समाप्त नहीं हो रहा है, और चौधरी इंद्र सेन जिस गाड़ी में सवार है वो गांव में जा चुकी है। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का एक काफिला है, और अभी तक भी ये काफिला समाप्त नहीं हो रहा है। जबरदस्त उत्साह यहाँ पर जनता के बीच में आप देख सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संतरपाल सिंह। संतरपाल जी सपा से जुड़े हुए हो? हाँ जी सपा से जुड़ा हुआ हूँ। क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ गंगो विधानसभा में माहौल? एक तरफा क्लीन स्वीप हो रहा है समाजवादी पार्टी का, इंद्र सेन जी जीत रहे हैं, हर वर्ग हर समाज का एक तरफा वोट मिल रहा है बहुमत में। क्यों जी क्या हो रहा है यहाँ गंगो विधानसभा में? गंगो विधानसभा रिकॉर्ड मतों से जीत होगी समाजवादी पार्टी की, और चौधरी इंद्र सेन विधायक बनेंगे, और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप ये तो टोपी भी लाल लगा रखी है, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं तो रेड अलर्ट है, गुंडागर्दी का प्रतीक है ये, जो है सौभाग्य का प्रतीक है लाल रंग, खुशहाली का प्रतीक है ये, इनको इनको जो है इनकी जो गतिविधियां हैं देश के खिलाफ समाज के खिलाफ उनको रोकने का रंग है ये। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और काफिला अभी तक भी समाप्त नहीं हो रहा है, और यहाँ पर ये जो इनके समर्थक हैं, नोमान का गांव था जी, नोमान का ये आज खाली है, नोमान के सिर्फ 50 या 100 वोट निकलेंगे, सारा इंद्र सेन के साथ है। अच्छा बाड़ी माजरा पहले नोमान मसूद को वोट करता था? पूरा नोमान का था बाड़ी माजरा, इसके अलावा कोई नहीं था, और यहाँ पे अब इंद्र सेन है सारी जगह। नोमान मसूद का एक नारा के 1 लाख पर, अब के इंद्र सेन 1.5 लाख पर है। चलिए तो आप देख सकते हैं, आप कहाँ से आए हो भैया? फतेहपुर से। फतेहपुर से गंगो विधानसभा से? गंगो विधानसभा। क्या नाम है आपका? आशीप राणा। आशीप राणा, गंगो विधानसभा का आपकी बार राणा कौन बन रहा? गंगो विधानसभा का राणा चौधरी इंद्र सेन बन रहे भाई, एक तरफा जी। कारण क्या है बताओ भाई? कारण है लोग देख रहे हैं, अब अखिलेश को पिछले 5 साल की सरकार में तंग हो गए, लोग परेशान हो गए, ना रोजगार दिया कुछ नहीं दिया सिवाय एक हिंदू मुस्लिम के, नाश कर दिया सारा देश भी इसका, खा लिया इन्होंने। यहाँ से तो नोमान मसूद बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे चुनाव। हालात देख लो हर गाँव के, प्रोग्राम देख लो आप, मुस्लिम 80% इंद्र सेन के साथ चल रहा, 80% मुसलमान चौधरी इंद्र सेन जी के साथ है, यहाँ कोई नहीं। बसपा को क्यों नहीं पसंद कर रहा है ये बताओ मुस्लिम? बसपा तो भाजपा ही है, अब 300 करोड़ में बेच ली 50 सीट है भाई, फिर बसपा का क्या रह गया? बसपा तो बिकी बकाई है पहले से ही, बसपा में कोई यकीन नहीं कर रहा। चलिए जी यहाँ पर ये आप काफिला समाप्त नहीं हो रहा है, और यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ में है। क्या नाम है भैया आपका? सत्य कुमार, जिला पंचायत सदस्य। अच्छा पूरा नाम बताओ, कौन से समाज से हो आप? मैं दलित समाज से हूँ, दलित समाज से। तो आप कहाँ जा रहे हैं? इधर इधर हम इंद्र सेन जी के काफिले में है। अरे भले आदमी, बसपा से तो नोमान मसूद खड़े। अरे बसपा से नहीं, हमें समाजवादी को वोट देनी, समाजवादी को सपोर्ट करना, समाजवादी से जिला पंचायत हूँ, और समाजवादी का ही जमाना है,
और बसपा का तो कुछ नहीं है, समाज का सारा वोट तो बसपा पर जा रहा। कहां बात कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य जी? जिला पंचायत सदस्य हूँ और दलित समाज का वोट समाजवादी पार्टी पे जाएगा, टोटल जितना भी ज्यादा से ज्यादा जाएगा समाजवादी पे 25% 20% से ज्यादा। गाँव में क्या रहेगा ये बता दो। मेरे गाँव का 50% से भी ज्यादा 70-80% दलित समाज का वोट समाजवादी पर उस पर जाएगा प्रत्याशी पे, चौधरी इंदर सैन। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी काफिला समाप्त नहीं हो रहा है और लगातार। हाँ जी, कहाँ से आए बाबा जी? बरसी से। बरसी से आपकी बार बरसी गांव में से वोट किस पर बरसेगा? बरसेगा इंदर सैन पे। इंदर सैन पे? इंदर सैन पे। अजी क्या बात कर रहे? हाँ इंदर सैन पे बरस रहा पूरा। तीसरे नंबर पर रहेंगे? पहले नंबर पे बहुत ऊपर है। नुमान मसूद जी कह रहे हम जीतेंगे चुनाव यहाँ से। नुमान मसूद ने तो 100-125 वोट मिलेंगे। समाजवादी तो दे रहा, वो जान गया 50 सीटें से 300 करोड़ में बेच ली, इसलिए वो नहीं दे रहा वोट। चलिए जी, तो यहाँ पर ये गांव गंगो विधानसभा का बाड़ी माजरा गांव है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत लंबा काफिला है और पीछे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वहां पर जो है कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये देखे यहाँ पर जो है कुछ जो राहगीर हैं जो अपने गंतव्य तक जा रहे हैं वो भी यहाँ पर हमें आपको आपको दिखाया। और ये पूरा का पूरा जो स्वागत समारोह था गंगो विधानसभा के गाँव बाड़ी माजरा में सपा RLD गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इंदर सैन का था और जनता में किस तरीके से यहाँ पर उत्साह आप लोगों ने देखा वो भी हमने आपको दिखाया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।